हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मोहिंदर कुमार। एक बार फिर मैं आपके यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव ट्यूटोरियल्स बाय मोहिंदर सर में स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक नॉन फाइनाइट को डिस्कस करने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं नॉन फाइनाइट के सिर्फ एक ही पार्ट इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव जो टू टाइप्स का होता है, टू प्लस इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव, उसमें से बेयर इन्फिनिटिव की डिटेल में चर्चा करूंगा। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको ऐसे क्वालिटेटिव वीडियो मिलते रहें। और शेयर करना तो मत भूलिए इस वीडियो को, और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखते देखते आप खो जाओगे और आप लाइक करना भूल जाओगे। तो चलते हैं आज के हमारे इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, नॉन फाइनाइट्स की तरफ। नॉन फाइनाइट क्या है? एक्चुअली नॉन फाइनाइट इज ए टाइप ऑफ वर्ब। वर्ब दो प्रकार की होती हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आई एम गोइंग टू गिव यू थ्री एग्जाम्पल्स एंड वी विल ट्राई टू नो व्हाट इज फाइनाइट वर्ब एंड व्हाट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू दिल्ली टू बाय ए कार। First is this one. Second is, they go to Delhi to buy a car. Third sentence we take, that is, we went to Delhi to buy a car. So, अगर हम इन तीन सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो इस तीन सेंटेंस में हमारे पास दो वर्ब्स हैं। एक हमारे पास पहले में गोज है, नेक्स्ट में वो गो हो जाती है, फिर वेंट हो जाती है। ये जो वर्ब है गो, और एक हमारे पास जो वर्ब है बाय, दो वर्ब्स हैं थ्री सेंटेंस में। लेकिन गो तो क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, और बाय देखिए हमारी सेम टू सेम है। ही था तो गोज है, जब हमने पर्सन चेंज किए सिंगुलर टू प्लूरल क्या, तो गोज क्या हो गया, गो हो गया। और जब हमने टेंस चेंज किया, प्रेजेंट से पास्ट टेंस लगाया, तो गो का क्या हो गया, वेंट हो गया। तो इन दो में से एक वर्ब तो क्या हो रही है, पर्सन टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और जो बाय है हमारी बिल्कुल चेंज नहीं हो रही। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो वर्ब क्या ध्यान रखना है, पर्सन टेंस और नंबर, तीन चीजें ध्यान रखनी है। जो वर्ब पर्सन टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। सो गो हमारी फाइनाइट वर्ब्स है, क्योंकि जब हमने पर्सन चेंज किया तो ये चेंज होगी, टेंस चेंज किया तो चेंज होगी। और नॉन फाइनाइट को समझना बहुत आसान है। अब नॉन फाइनाइट क्या होगी, वो वर्ब होगी जो किसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी, नंबर पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो वर्ब नंबर पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, वो हमारी क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। मेरे ख्याल में आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं। तो चलते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स की टाइप्स की तरफ। जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो थ्री टाइप्स की होती है। सबसे पहले हमारी होती है इन्फिनिटिव, फिर हमारी होती है जेरंड,
सभी इसे जीरेंट बोलते हैं, बट इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज जीरेंट। और थर्ड हमारी होती है पार्टिसिपल। अब हमारी जो इन्फिनिटिव होती है ये आगे टू टाइप्स की होती है, टू प्लस इन्फिनिटिव और एक होती है बेयर इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव का मीनिंग क्या होता है? आज तक आपको किसी भी बुक में इसका मीनिंग नहीं बताया होगा, इसकी आइडेंटिटी किसी भी यूट्यूब वीडियो में आपको नहीं मिलेगी। तो इसकी आइडेंटिटी बहुत आसान है, इन्फिनिटिव का मतलब होता है वी वन। अब हमारे पास क्या है, टू प्लस इन्फिनिटिव, इसका मतलब टू प्लस वी वन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेयर? बेयर मीन्स ओनली, ओनली इन्फिनिटिव। ओनली इन्फिनिटिव मीन्स इन्फिनिटिव का आपको मैंने मीनिंग बताया, वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मीन्स ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, ये हमारी इन्फिनिटिव है। सेकेंड है हमारा जीरेंड। अब जीरेंड में क्या यूज करते हैं हम, वी वन प्लस आई एन जी लगाते हैं। पार्टिसिपल हमारा थ्री टाइप्स का होता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। जेरेंड की एक अलग से वीडियो बनेगी, पार्टिसिपल पे एक अलग से वीडियो बनेगी और टू प्लस इन्फिनिटिव पे एक अलग से वीडियो बनेगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ बेयर इन्फिनिटिव की बात करूंगा। पार्टिसिपल थ्री टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड इज परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम क्या यूज करते हैं, वी वन प्लस आई एन जी यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल में हम क्या यूज करते हैं, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। अब आपको जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल सेम टू सेम लग रहे होंगे, क्योंकि जेरेंड में भी वी वन प्लस आई एन जी लगाते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वी वन प्लस आई एन जी लगाते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में हम चलते हैं किसके यूज की तरफ, बेयर इन्फिनिटिव की तरफ। बेयर इन्फिनिटिव मैंने आपको जैसे बताया कि इन्फिनिटिव का मतलब वी वन होता है और बेयर मीन्स होता है ओनली, तो हमने इसमें क्या यूज करना है, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहां यूज होगी, चलते हैं इसके यूजेस की तरफ, फर्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किसके साथ लगती है, बहुत सिंपल रूल है, विद, डू, डज और डिड के साथ। ये आपने देखा भी होगा इंग्लिश में, कहीं भी अगर आपको डू, डज और डिड मिलता है तो वहां पर हम हमेशा क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल चलते हैं, ही Does not, अब यहां पर हमारा क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं वर्ब यूज करता हूं सिंग, ही डज नॉट सिंग वेल। तो हमने डज यूज किया, हमने क्या यूज की, फर्स्ट फॉर्म यूज की। सिमिलरली ही डू नॉट लाइक आइसक्रीम, फिर हमने डू यूज किया तो फर्स्ट फॉर्म लगाए। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि डू डज डिड के साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। चलते हैं हम हमारे दूसरे रूल की तरफ। अब इंग्लिश में आपने एक टॉपिक सुना होगा मोडल्स, जिसे लोग डिफरेंट नाम से बुलाते हैं, कोई इसे मोडल्स बोलता है, तो बट इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज मोडल्स। विद मोडल्स, मोडल्स के साथ, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब है छोड़कर। सिर्फ कितने को छोड़ना है, हमने दो मॉडल को छोड़ना है, यूज्ड एंड ऑट को ध्यान रखना है, इन दो मॉडल को छोड़ के टोटल हमारे इंग्लिश में 13 मॉडल्स होते हैं। तो 13 मॉडल्स में दो मॉडल को छोड़कर, यूज्ड एंड ऑट को छोड़कर, क्योंकि इन दोनों के बाद हम क्या लगाते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसलिए बाकी जो हमारे 11 मॉडल्स रह गए, कौन कौन से 11 मॉडल्स हैं, बहुत इजी हैं, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड,
will, would, need, dare और must, ये 11 हो गए, 2 और 13 मॉडल है। तो ये जो 11 मॉडल्स हैं इनके साथ हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। चलो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ अभी। फॉर एग्जाम्पल ही कैन क्लाइम द ट्री। अब हमने क्या वर्ब यूज किया, क्लाइम फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमें क्या मॉडल दिया हुआ है, कैन दिया हुआ है। इसी प्रकार और कोई भी मॉडल दिया हो, फॉर एग्जाम्पल ही मे पास इन द एग्जामिनेशन, अगेन हमने क्या यूज किया, मे यूज किया, तो हमने क्या यूज की, फर्स्ट फॉर्म यूज की। लेकिन इसमें दो मॉडल आपको ध्यान देने हैं, स्पेशली अगर दो में से बात करूं तो एक मॉडल ध्यान देना है, वो है हमारा डेयर। क्योंकि डेयर और जो नीड है, ये दो मॉडल हैं, ये एक तो मॉडल के रूप में यूज हो सकते हैं, एक ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब डेयर का यूज एज ए मेन वर्ब किया जाता है तो डेयर के बाद क्या लगता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर मैं डेयर को एज ए मेन वर्ब यूज करता हूं, नॉट ए मॉडल, पहले मैं आपको मॉडल के रूप में यूज करके दिखाता हूं। डेयर हम क्यों लगाते हैं, एक तो किसी ने अगर कोई साहस किया तो उस पर क्वेश्चन करने के लिए, टू क्वेश्चन समबडीज करेज, और टू एक्सप्रेस लैक ऑफ करेज। जैसे आपने बड़ा एक फेवरेट सेंटेंस सुना होगा, है ना, कि ही डेयर नॉट एंटर माई हाउस। तो यहां पर जो डेयर है वो एक मॉडल के रूप में यूज हुआ है। मॉडल को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, मॉडल को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब हमारी एंटर है। लेकिन जब हम डेयर को एज ए मेन वर्ब यूज करते हैं तो डेयर के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगता है। जैसे कि इस एग्जांपल से देखिए, ही डेयर्ड, मैंने इसको एज ए मेन वर्ब यूज कर लिया पास्ट टेंस में। अब इसके बाद क्या लगेगा, टू, ही डेयर टू एंटर माई हाउस। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर डेयर का प्रयोग एज ए मेन वर्ब होगा तो उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगी, अगर उसका प्रयोग एज ए मॉडल, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सो दिस इज योर सेकेंड रूल। कम टू द थर्ड रूल वेयर वी यूज बेयर इन्फिनिटिव। थर्ड रूल इज वेरी सिंपल, आपको क्या ध्यान रखना है, आफ्टर बट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यही रूल सेट किया जाता है। और इस पे एक सेंटेंस आपको दिया जाता है, आफ्टर बट एंड देन। अगर आपको आफ्टर बट और देन के बाद ब्लैंक दिया हुआ है और आपको कोई वर्ब भरने के लिए दी जाए तो हमेशा क्या लगता है, बेयर इन्फिनिटिव बट और देन के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। जस्ट मैं एग्जाम्पल देता हूं, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ही डिड नथिंग बट टाइम। अब मैं अगर आपको चार ऑप्शन दूं, पहला ऑप्शन मैं आपको दूं वेस्ट, दूसरा दूं टू वेस्ट, तीसरा ऑप्शन दूं वेस्टेड, अगर फोर्थ ऑप्शन दूं वेस्टिंग, तो इसमें क्या आएगा, बट आला होगा। तो बट के बाद हमेशा क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहां क्या लगेगा, ही डिड नथिंग बट वेस्ट टाइम। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है देन, देन के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है। एक एग्जांपल देन का लेते हैं, जैसे आई वुड प्ले rather than what, study। अगर हम verb use करें तो first form, तो than के बाद first form। तो तीसरा आपको rule क्या ध्यान रखना है कि after, but और than के बाद हम first form लगाते हैं। Come to the fourth rule। अब English में कुछ words होते हैं उनके बाद भी हम first form लगाते हैं। अब वो packed word कौन कौन से हैं,
एक तो है हमारा हैड बेटर, वुड सूनर, हैड सूनर, वुड रादर, रादर देन, सूनर देन। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके बाद हमेशा हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। चलो एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बेटर ईट आइसक्रीम। तो हैड बेटर के बाद, हैड बेटर के बाद मैंने क्या यूज की, फर्स्ट फॉर्म यूज की। तो इसी प्रकार आपने ध्यान रखना है कि आपको इनमें से कोई भी वर्ड मिल जाता है तो आपने क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। चलते हैं हमारे फिफ्थ रूल की तरफ। फिफ्थ रूल क्या कहता है कि थ्री आपको वर्ब्स ध्यान रखनी है, लेफ्ट, मेक और बिड, ध्यान रखना है। जब ये तीनों वर्ब्स एक्टिव हो इसमें होंगी तो हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि, और जब ये पैसिव वॉइस में होंगी, ध्यान रखना है, अगर ये पैसिव वॉइस में होंगी तो हम पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। एक्टिव वॉइस में होंगी तीनों वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म, पैसिव वॉइस में होंगी तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। जरा एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें, सिर्फ लेट को छोड़कर, क्योंकि लेट का पैसिव वॉइस बनाओगे तो भी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, I made him learn the question. तो देखो ये एक्टिव वॉइस है, तो मैंने मेड के साथ क्या यूज किया, फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, लेट हिम गो, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब मैं इसका पैसिव वॉइस बना देता हूं ऊपर वाले सेंटेंस का, तो यहां टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगी ऊपर वाले को। I made him leave the लर्न द क्वेश्चन, इसका पैसिव वॉइस बनाए तो क्या बनेगा, ही वॉज मेड टू लर्न द क्वेश्चन। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर ये तीनों वर्ब्स एक्टिव वॉइस में होंगी तो फर्स्ट फॉर्म, पैसिव वॉइस में होंगी तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। पैसिव वॉइस कैसे पता चलेगा, पहले तो पैसिव वॉइस की ये आइडेंटिटी होती है तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, सेकेंडली उसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो देखो वाज के साथ थर्ड फॉर्म दिया तो ये पैसिव वॉइस में है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर किसी सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस वाई से स्टार्ट होता है और वो उसके लास्ट में क्या आ जाए, क्वेश्चन मार्क साइन आ जाए, मीन्स क्वेश्चन वाले सेंटेंस में जो सेंटेंस वाई से शुरू होता है उसमें हम क्या लगाते हैं, उसके तुरंत बाद देयर इन्फिनिटिव लगाते हैं। अब यहां वाई दो प्रकार से लगाते हैं, एक तो वाई के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्या, सिली क्वेश्चन पूछने के लिए, सिली मीन्स फुलिश क्वेश्चन पूछने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि हम कहीं जा रहे हैं और हमारे पास खाने के लिए काफी चीजें हैं तो इसलिए हम क्या कहते हैं, है ना, अगर कोई चीज परचेज करनी है तो हम क्या कहते हैं, वाई टू परचेज थिंग्स, भाई बहुत सारी हैं तो खरीदे क्यों, वाई के बाद क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एक इसमें वाई नोट भी लगता है, वाई नोट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन जब वाई नोट आता है तो उसमें हम एडवाइस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई, अगर कोई बीमार है तो हम क्या कहते हैं ना, क्यों ना डॉक्टर को बुलाएं, तो हम क्या लगाते हैं, वाई नॉट कॉल अ डॉक्टर। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई सेंटेंस वाई से स्टार्ट होता है तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, वाई नॉट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये आपके सिक्स इंपॉर्टेंट रूल्स हैं बेयर इन्फिनिटिव के, एंड आई होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक्स।